मेरा नाम है आयुषी और मैं हूँ सीनियर मेंटर एट लीगल एज। और इस बार 100 की शोडाउन में हमने नई चीजें करी हैं, नया थोड़ा सा चेंजेस किए हुए हैं। और आज इस बार हम एक स्टूडेंट के साथ उस कॉलेज का रिव्यू लेने वाले हैं, प्लस जितने भी मिथ है अबाउट जीएलसी मुंबई हम सारे आज ब्रेक करने वाले हैं। तभी इट्स नेम्ड एज मिथ ब्रेकर ऑफ जीएलसी मुंबई। और देखते हैं कि जीएलसी के जितने भी हमारे पास मिथ्स हैं, जितने भी हमने प्री कंसेप्शन ऑलरेडी अपने दिमाग में बना के रखे हैं, वो कैसे हम ब्रेक करेंगे थ्रू द स्टूडेंट जो जीएलसी की लाइफ एक्चुअली जी रहा है। सो हाय मौलिका, कैन यू जस्ट गिव अ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ? हाय आयुष मैम, सो आई एम मौलिका अग्रवाल। आई एम करेंटली इन माय फाइनल ईयर ऑफ बीएलएस एलएलबी एट जीएलसी मुंबई। सो आई हैव बीन स्टडिंग देयर फ्रॉम द ईयर 2018, एंड बिफोर दैट आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ लीगल एज भोपाल इटसेल्फ। ओह दैट्स ग्रेट। तो मौलिका, आप कहाँ से बिलोंग करते हो बेसिकली? आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश इटसेल्फ। देयर इज अ प्लेस नियर जबलपुर। ओके ओके ओके। मौलिका, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन लीगल एज? थोड़ा सा वो भी बताना चाहो तो बता सकते हो। Yes, so my experience was a great one. So I've never been to Bhopal before that. That was my first time. So like we used to stay throughout the day. Like हम ही जाके लीगल एज खुलवाते थे सुबह, एंड शाम को हमें निकाला जाता था वहां से बंद करने के लिए। मतलब देयर वाज अ टाइम करण सर हैज आस्क्ड मी कि अपने आधार कार्ड का एड्रेस यहीं का डलवा दो, बिकॉज वी यूज टू सिट ऑल द डे लॉन्ग एट लीगल एज फॉर स्टडिंग। So that only I have spent one complete year. That was my drop year there. So hostel हम सिर्फ खाने और सोने जाते थे, बाकी हम दिन भर लीगल एज में ही होते थे। So that was basically my home. सेकेंड होम आई थिंक, सेकेंड होम ऑफ योर्स। चलो दैट्स ग्रेट। ऑल्सो लीगल एज ने रिसेंटली लीगल एज लॉ स्कूल लॉन्च किया हुआ है, और लीगल एज लॉ स्कूल उन बच्चों के लिए तो स्पेशली बेनिफिशियल है जो अपने कॉलेज में है राइट नाउ। दे आर इन देयर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और जितने भी उनको रिसर्च पेपर लिखने हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ऑल द नोटिफिकेशंस आर गोइंग टू बी कवर्ड थ्रू लीगल एज इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा जब मैं जीएलसी मुंबई के बारे में बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वी कैन ऑल्सो नो अबाउट व्हाट इज एमएससीटी। एमएससीटी के थ्रू ही जीएलसी मुंबई एडमिशन लेता है, तो व्हाट वाज द एग्जाम पैटर्न और क्या उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है मौलिका? और आपका कितना स्कोर रहा था टू गेट इनटू जीएलसी मुंबई? Okay, so I'll answer it one by one. First of all, my score was 119 back then, like in 2018. So exam pattern में तो कोई changes नहीं है. We still have 150 questions. It is a 2 hour long exam, and you do not have negative marking at all. 1 mark for each question. So this has been the pattern so far, और कोई changes नहीं है. 5 subjects में divided है वो. So subjects break ऐसा है, legal aptitude के लिए 40 marks होते हैं. Then you have 30 for GK and current affairs. लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगेन 40, इंग्लिश के लिए 30, एंड 10 मार्क्स फॉर मैथ्स। तो दिस हैज बीन द डिवीजन फॉर एंटायर 150 मार्क्स का मतलब कोई पेपर। ज्यादा चेंज नहीं हुआ है एज नहीं सच? नहीं देयर इज नो चेंज। हमने भी यही पैटर्न दिया था, मैंने 2023 का पैटर्न देखा, सेम है। तो व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू कि यू गॉट इनटू जीएलसी? मतलब कुछ तो बेनिफिट रहा होगा टू गेट इनटू जीएलसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। ओके, सो मतलब लाइक हाउ डिड आई गेट इट इन फर्स्ट वेरी अटेम्प्ट? फर्स्ट लिस्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, सो आई थिंक टू क्रॉस एमएससीटी सबसे बड़ा मतलब लोगों का, अगेन जो हमारे सेशन का नाम है मिथ ब्रेकर, वन मोर मिथ इज फॉर क्लैट एंड दिस एमएससीटी एस्पायरेंट्स। सब हम मैथ्स को बहुत अवॉइड करना चाहते हैं, बट आई थिंक मैथ्स वॉज इन माई फेवर इन दिस एग्जाम, बिकॉज ऑलरेडी लाइक 70% स्टूडेंट्स मैथ्स छोड़ के आते हैं, एंड आप अगर वो कवर कर लोगे सो वो एक आपके लिए गेम चेंजर हो गेम जाता है। चेंजर, करेक्ट। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर बेनिफिट अटैच्ड विद मैथ्स। अगर आप मैथ्स अच्छा कर रहे हो सो समहाउ दैट विल हेल्प यू इन लॉजिकल रीजनिंग। सो इजीली आप 10-15 मार्क्स का डिफरेंस वहां बना लेते हो, और 10-15 मार्क्स कॉम्पिटिटिव्स में बहुत मैटर करता है। लाइक योर रैंक गोज अप बाय हंड्रेड्स बाय टेन करेक्ट फिफ्टीन करेक्ट मार्क्स करेक्ट। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैथ्स ना क्लैट में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपका क्लैट में मैथ्स बहुत अच्छा है, तो क्यूटी में आप कहीं ना कहीं वो 15 मार्क्स से ही बाजी मार लेते हैं। तो यस, जीएलसी मुंबई के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इट्स वन अमंग द ओल्डेस्ट कॉलेज दैट वी हैव। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1855। तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है, और क्या वो सेम बिल्डिंग ही रहे हैं, मतलब सिमिलर टू दैट बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के अंदर
क्या क्या चेंजेस हैं या फिर सिमिलर है, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा अगर मैं जीएलसी जाने का ऑप्ट करती हूँ, मतलब एज अ स्टूडेंट? ओके सो फर्स्टली जो आपका बैकग्राउंड में फोटो डला हुआ है, एग्जैक्टली दिस इज माय कॉलेज. हम यही हम ब्लैक एंट्रेंस जो है इसी गेट से एंटर करते हैं. पीछे और जो बिल्डिंग है यही है, देयर इज नो चेंज, यही बिल्डिंग है वहां पे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ जैसे वो दिख रहा है कि काफी पुराना कॉलेज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुराना है, बट दैट डजेंट मीन कि दे डोंट प्रोवाइड अस थिंग्स. मतलब जो जो स्टूडेंट्स बेनिफिट के लिए चीजें लगती है, वी हैव कैंटीन है, कंपेरेटिवली छोटा है, लाइब्रेरी इज वेरी वेरी गुड. मतलब देयर इज अ ह्यूज ह्यूज लाइब्रेरी विद अ रीडिंग रूम दैट कैन अकोमोडेट लाइक हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स एट अ टाइम. वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम जहाँ सारे हमें सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडेड है, मानुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन, लीगल एंटायर डेटाबेस. एंटायर लीगल डेटाबेस. देन देयर इज मूट कोर्ट रूम, सो यू कैन गो फॉर मूट कोर्ट प्रैक्टिसेस बिफोर योर कॉम्पिटिशन. करेक्ट. रिसेंटली द ईयर इन विच आई वॉज एडमिटेड इन द कॉलेज, तभी ऑडिटोरियम इनॉग्रेट हुआ था. सो ऑडिटोरियम तो काफी अच्छा है, न्यू बना है वो. क्लासरूम्स, देयर आर 30+ क्लासरूम्स इन द बिल्डिंग, सो सफिशियंट है. देयर इज नो ऐसा स्पेस क्रंच नहीं है कि इश्यू आ रहा है कुछ का. बस फैसिनेटिंग बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग पुरानी है, कंस्ट्रक्शन पुराना थोड़ा है. सा एथनिक है, थोड़ा सा एंटीक है ना. मतलब पंखे भी हमारे पास एंटीक होंगे. यस, वी हैव दोस टिपिकल वुडन पोडियम्स, वुडन चेयर एंड डेस्क बेंचेस, वो जो हेवी वाले होते हैं, किसी से हिलते नहीं है, जो जो पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थे, हम वो अभी भी देख रहे हैं. सो वी करेक्ट. हैव दोस टिपिकल थिंग्स. सो ऐसा बिल्डिंग बस, सो समवन लुकिंग फॉर अ वेरी फैसिनेटिंग बिल्डिंग इन कैंपस लाइफ, मे बी उसको प्रॉब्लम करे जीएलसी में आना, बिकॉज दैट्स नॉट द थिंग. बाकी इट्स नॉट दैट कि इट इज एट पार विद डिफरेंट कॉलेजेस, बस थोड़ा सा एथनिक ट्रेडिशनल ज्यादा है यहाँ का कल्चर वगैरह, बाकी वी हैव एवरीथिंग प्रोवाइडेड. स्मार्ट क्लासेस होंगी स्मार्ट क्लासेस वी हैव ओनली इन वन रूम. एंड ओनली इन वन रूम. चलो ठीक या है, मतलब बाकी सारी चीजें तो वी हैव. तो वी जैसे हैव मैंने जीएलसी की मुंबई के बारे में सुना है कि यार जीएलसी में ना वी डोंट हैव हॉस्टल अकोमोडेशंस, तो या फिर हॉस्टल नहीं है तो बच्चे कहाँ रहते हैं? मतलब ये भी बहुत बड़ा मिथ है अबाउट जीएलसी मुंबई कि फिर हमें ज्यादा पे करना पड़ता है. एंड मुंबई के एक्सपेंसेस तो वी ऑलरेडी नो, मुंबई तो थोड़ा चेंज ही है कि लैंड कॉन्स्ट्रेंट भी है और एक्सपेंसेस भी यू हैव टू पे ऑन अ यस हायर यस लेवल. यस ओके. सो फॉर अकोमोडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज जीएलसी मुंबई जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी का पार्ट है, सो मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स है कॉलेज के पास ही, तो अच्छा उसमें कुछ सीट्स है जीएलसी की. नॉट द इंटायर हॉस्टल इज फॉर जीएलसी, बट कुछ सीट्स है, तो वहां स्टूडेंट्स जा सकते हैं. बट अगेन, जीएलसी में एडमिशन डज नॉट गारंटी कि आपको हॉस्टल में भी एडमिशन मिल जाएगा. उसके लिए आप अपने फॉर्म फिल कर दो, डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो, दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट एंड यू विल बी इन्फॉर्म. तो वो मिल जाए तो वो तो काफी, मतलब दे चार्ज लाइक 30-40,000 ऑन एनुअल बेसिस, तो वो तो बहुत सॉर्टेड हो जाता है आपका. लाइक यू हैव योर फीस 6-7,000 एंड देन 30-40,000 अकोमोडेशन 50,000 में आपका पूरा साल निकल रहा है वहां पे. मतलब बट ये तो अदर बहुत बहुत अच्छा बजट है या आई बिलीव. यस यस मतलब 50,000 में अगर पूरा साल निकल रहा है, तो आई डोंट थिंक यू वांट अदर देन यू वांट एनीथिंग अदर देन दिस. करेक्ट. मतलब मैं बट एनएलयू की फीस से कंपेयर करूं तो इट या वुड बी लाइक 5 ईयर की फीस, 1 साल की फीस हम दे रहे हैं. करेक्ट. या बट अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स नहीं मिल रहे हैं, देन यू हैव ओनली ऑप्शन की प्राइवेट अकोमोडेशंस लो फिर. तो देन पीजी थोड़े महंगे पड़ते, अगेन दैट्स अप टू यू, आपको जितने जिस लेवल का चाहिए. और दूसरा, जीएलसी इज एट चर्च गेट विच इज द मोस्ट प्राइम लोकेशन, तो जितना आप चर्च गेट से पास, मतलब कॉलेज से पास लोगे, उतना एक्सपेंसिव पड़ेगा. तो ना पीजी तो एंटायरली वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, आप कितनी फैसिलिटी वाला ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, कितने प्राइम लोकेशन पे ले रहे हो. तो द मोर यू गो फार फ्रॉम कॉलेज, तो रेट्स डाउन होते जाते हैं फिर. अच्छा ठीक है. तो मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलूँ तो एक ही बिल्डिंग में हमारे पास सारी चीजें हमको मिल जाती हैं. यस करेक्ट. बस हॉस्टल के लिए अगर आप चाहो तो पीजी भी ले सकते हो, प्लस मुंबई यूनिवर्सिटी का यू हैव ऑलरेडी यू कैन हॉस्टल ट्राई. प्रोवाइडेड. करेक्ट. तो कोर मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो जब मैं गो थ्रू कर रही थी ओवर योर वेबसाइट, तो प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट था. जैसे एनएलयू में वी हैव चांसलर्स एंड वाइस चांसलर्स, यहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं आपके. तो हु इज स्मृति, डॉक्टर अश्मिता अद्वेत जी ऑलरेडी एज अ प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज. प्लस वी हैव गुड, यू हैव गुड प्रोफेसर ऑल्सो. जैसे मैंने देखा कि श्री होमर पिथावाला इज इन योर क्या कॉलेज, ही इज अ लेजेंडरी प्रोफेसर दैट वी हैव इन लेजेंडरी आर प्रोफेसर. कंट्री. तो यस वॉट इज एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टार्टिंग फ्रॉम देम एंड वॉट वॉट ऑल थिंग्स दैट
make special about GLC with these kind of professors? Okay, so I have like personally attended classes of Pitawala sir. He teaches almost like one subject in every year. So I have attended his lectures. So have actually legendary professor hai. We had that what advantage of sitting for his lectures. So he had taught us contracts and other subjects. So lectures were very, very interesting. Like this, because GLC mein students are little less regular to lectures, but for his lectures there was like crowd used to be this way ki classroom ke bahar tak bachche khade agar classroom full ho gaya hai so itna hota tha. Legendary professors hote hain तो उनके पास भीड़ हमेशा होती है, भले ही अपना मन हो क्लास जाने का नहीं हो, बट उनका अगर लेक्चर है तो वी आर गोइंग टू अटेंड इट. सेम मतलब ऐसे कुछ प्रोफेसर्स होते ही हैं. आई थिंक वन अमंग देम इज मिस्टर पीथावाला जी. And he has been like teaching in GLC for the past 40 plus years. I think so. He has completed 50 years or it's running 50th year. Yeah. That's huge. Correct. Yes. मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस आई बिलीव उनके पास है तो ऑब्वियसली ये तो बड़ी बात है. एनीथिंग एल्स स्पेशल आया वर्ड की उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था. ओके सो आई टेल यू दिस थिंग ही लाइक सो ही हैज अ स्पेशलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट आल्सो ही इज आल्सो अ सॉलिसिटर. सो ही वाज बैक देन इनवाइटेड बाय द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान टू ड्राफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ देयर कंट्रीज. लाइक दैट इज वेरी वेरी ह्यूज थिंग कि समवन फ्रॉम आवर कंट्री हैज बीन इनवाइटेड टू ड्राफ्ट लॉ ऑफ सम अदर कंट्री. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मतलब यस अगर मैं बात करूं तो you have great legendary professors in your university. Yes. मतलब professors are also pretty much great. Hmm. seats के बारे में अगर मैं बात करूँ तो seats में division मैंने देखा कि aided and unaided. तो what Yes. is aided and unaided? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? Okay, so first of all, to I would like to tell all the students appearing for MHCT. तो जब आप counseling form apply करोगे results के बाद तो उसमें दो government law college दिखाते हैं. So don't get confused. वो दो में एक aided है, एक unaided है. मिलेगा आपको GLC Mumbai ही दोनों से. अच्छा, okay. So the only difference is aided की fees is half of unaided. Unaided की भी बहुत ज़्यादा नहीं है. That is 12,000 something. बट एडेड वालों की और इट इज अराउंड 7,000. बस यही डिफरेंस है, बाकी देयर इज नो डिफरेंस. अच्छा, और BLS LLB इज डिफरेंट फ्रॉम BLLB क्या बच्चे? नो नो नो, हमारा पूरा इंटायर सिलेबस. सो जीएलसी का जो BLS LLB है, BLS LLB में फर्स्ट टू इयर्स आपके प्री लॉ इयर्स होते हैं. लाइक वी डोंट हैव ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट ये सब सब्जेक्ट हमें नहीं होते हैं फर्स्ट टू इयर्स में. हम पूरा लॉ एग्जैक्टली पूरा लॉ हम थर्ड ईयर से पढ़ते हैं. Like अच्छा. NLUs में you have one or two subjects like jurisprudence, constitution, first year वगैरह से. As in we don't have that. कि हाँ first year में हमको torts contracts पढ़ना पड़ता था. हाँ नहीं, तो हमें third year से आता है पूरा पूरा law third year से आता है. First two years हमारे pre law years ही बोलते हैं वहाँ पे. So we have those typical BA subjects, history, English, sociology वो सब रहता है. Only difference is this. बाकी है पूरा BLLB ही वो. पूरा BLLB का सिमिलर ही है. मतलब अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इट्स अ सिमिलर थिंग. कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ अलग डिग्री का नाम दिया गया है, बैचलर्स ऑफ लीगल साइंस, बाकी सेम वही सब्जेक्ट्स है. कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड LLM भी प्रोवाइड कराता है GLC क्या? यस, सो जीएलसी ने रिसेंटली LLM प्रोग्राम लॉन्च किया है. मतलब अभी June 2022 से लाइक द फर्स्ट बैच इज गोइंग ऑन. तो अभी अभी LLM चालू किया. बाकी देयर इज दिस 5 ईयर लॉ कोर्स एंड 3 ईयर लॉ कोर्स. सो 3 ईयर तो ग्रेजुएट्स के लिए ही होता है सिर्फ. अच्छा, तो मतलब सीट्स वुड बी अराउंड 240 ओनली, मतलब एज फॉर 5 ईयर इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ कोर्स. यस, अच्छा, एंड फॉर 3 इयर्स दे हैव 300 सीट्स. ओके, तो जैसे आपने बताया कि फीस इज रियली मिनिमम, मतलब मिनिमलिस्टिक फीस जो होती है ना वो हमारी जीएलसी के होती है. तो मतलब जैसे मैं एनएलयू से कंपेयर करूँ तो ये तो बहुत अच्छा प्रो हो जाता है जीएलसी के लिए कि भाई फीस तो बहुत कम है. और अनएडेड की भी ऐसे नहीं है कि वो लोग 50,000 एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं. नहीं, इट जस्ट 12,200 जैसे ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट. तो इसका अगर मैं फायदा देखूं तो कहीं ना कहीं दिस वुड बी अ ह्यूज अमाउंट जो हमारा बच जाता है टू स्टे इन मुंबई. एग्जैक्टली, मतलब पीजी फिर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि यार नहीं यार मैं पीजी भी अच्छा अफोर्ड कर सकती हूँ टू स्टे. मतलब आई थिंक अगर आप बहुत एक अच्छे मतलब एटलीस्ट मिडिल से हाई लेवल का पीजी देख रहे हो तब जाके आपका पूरा एनुअल अकोमोडेशन प्लस कॉलेज फीस मिला के एनएलयू फीस पहुंचती है हमारी. लाइक आई वॉज स्टेइंग इन अ डिसेंट पीजी तब जाके मेरा एनुअल एक्सपेंसेस 2.5 LPA जाते थे मेरे. तो दैट इज द बेसिक फीस ऑफ एनएलयूज.
सही है यार ये, मतलब मुझे ये जीएलसी के बारे में बहुत पसंद आया कि फीस तो मिनिमल ही है भैया, मतलब बाकी सारी चीजें आप कर लो मुंबई जाके, वो बेटर है। ओके टू योर सरप्राइज वो फीस जनरल स्टूडेंट्स की है, रिजर्व्ड कैटेगरी की 320 है सिर्फ, 320। मतलब ये तो मतलब फायदा ही फायदा है, मतलब जो लोग महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स हैं आई बिलीव, है ना। ओके नॉट द महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स, जो कैटेगरीज या एससी एससी ओके ओके वैसा रिजर्वेशन वाला, ओके ओके ओनली 320। Also, hostel accommodation के बारे में we have already talked about. Yeah. Attendance issues के बारे में क्या रहता है फंडा, मतलब जैसे मेरे पास हमारे college में it was compulsory कुछ 70% above होनी चाहिए थी, तो ऐसा कुछ है seen in your college? Okay, so see, जब हम admission लेते हैं every year तो 75% की undertaking उसमें भी होती है, but so far ऐसा कोई बहुत strict action हुआ नहीं है 75% attendance के लिए। बट स्टिल लाइक हम जो इतना लाइक जीएलसी किड्स आर फेमस कि वो थ्रू आउट द ईयर इंटर्न करते हैं ये वो, तो हमारा अकेडमिक स्केड्यूल जो है वो काफी मतलब प्लेन बेसिक रहता है। मतलब जहाँ एनएलयू वालों का डे स्टार्ट होता है हम 11:30 फ्री हो चुके होते हैं लेक्चर्स से, तो आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर्स ऑल्सो यू कैन गो एंड डू योर वर्क, लाइक इफ यू आर इन सम करिकुलर एक्टिविटीज और यू आर इंटर्निंग समवेयर, तो अटेंडेंस इशू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो हमारे पास टाइम होता है, लाइक यू विल बी सी मिल जाती है आपको बहुत काफी मिलती है हमारा, मतलब जो डे का सेकेंड हाफ होता है वो तो हमारे कॉलेज से हम ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, सो यू विल बी सीइंग लाइक एवरी थर्ड स्टूडेंट ऑफ जीएलसी इज डूइंग सीए सीएस और परसुइंग सम हॉबी और डूइंग समथिंग। ओह दैट्स ग्रेट, मतलब मैंने सीएसीएस भी कर लिया अपने लॉ की डिग्री के साथ ही साथ, यस यस काफी मतलब काफी टाइम का बैंडविड्थ रहता है बीइंग अ जीएलसी स्टूडेंट। अगर मैं एलुमनाइज की बात करूं तो जीएलसी इतना पुराना कॉलेज है कि उसके इतने अच्छे एलुमनाइज मैं देख सकती हूं बीइंग इन द लीगल फील्ड ओनली, जैसे वी हैव जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ जी, वी हैव मिस्टर नानी पालकीवाला, वी हैव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, वी हैव एडवोकेट हरीश सालवे, तो इनका कुछ बेनिफिट मिलता है जब आप इंटर्नशिप्स के लिए जाते हो या फिर आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो, तो क्या बेनिफिट मिलता है आपको ये? यस सो बेनिफिट्स आर देयर बिकॉज़ लाइक सी फोर ऑफ देम यू हैव मेंशन इन द पीपीटी, देन देयर आर स्टालवर्ट्स जो सब लाइक द फाउंडर ऑफ द बिग लॉ फर्म्स, द रिनाउंड एडवोकेट्स, ये सब कहीं ना कहीं जीएलसी से एसोसिएटेड है, सो व्हेन वी अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स तो हमें एक जीएलसी का ब्रांड नेम का एडवांटेज मिलता है वहां पे, बिकॉज़ दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस कॉलेज, तो उन्हें भी होता है कि हम अपने अल्मा मैटर से बच्चों को ले लेंगे। ऑल्सो फिर ये सारे जो जीएलसी पास आउट है सो ऑल्सो हमारे प्लेसमेंट वीक में ये सारे आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, सो उसके कारण जीएलसी का प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा जाता है। फिर ऑल्सो कोई और फील्ड में भी जैसे कॉर्पोरेट में तो यू माइट गेट एन गुड एडवांटेज ऑफ जीएलसी ब्रांड नेम, क्या लिटिगेशन में या फिर इन जुडिशरी कुछ बेनिफिट्स होते हैं बीइंग इन जीएलसी? सो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर जगह होते हैं, बिकॉज लिटिगेशन में जितने भी लाइक सीनियर एडवोकेट्स है, सो सी यू वी हैव एडवोकेट हरीश सालवे हियर ऑन द पीपीटी, सो ये सब भी पास आउट है जीएलसी के, तो एक एडवांटेज वहां मिल जाता है। कॉर्पोरेट्स में तो डेफिनेटली मिलता है, बिकॉज ऑल आई से जस्ट टू नेम निशित देसाई, सिरिल श्रॉफ, शार्दुल श्रॉफ, ये सब जीएलसी पास आउट है, तो वहां इनके फर्म्स में एक एडवांटेज मिलता ही है। जुडिशियरी में लाइक वी हैव द सीजीआई इज ऑल्सो दोज हु हैव पास फ्रॉम जीएलसी एंड दोज हु हैव बीन सीजीआई ऑफ लाइक सीजीआई, बट उसमें आई डोंट थिंक यू विल गेट सम एडवांटेज, एंड ऑल्सो जुडिशियरी के लिए आई थिंक यू विल नीड सम कॉलेज जहाँ पे अकेडमिक्स बहुत बहुत अच्छा हो, जीएलसी इज लिटिल बिहाइंड इन अकेडमिक्स, इट इज नॉट बिहाइंड, मतलब लेक्चर्स होते हैं बट स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट लेक्चर्स देयर, तो आई डोंट थिंक जुडिशियरी में पर्टिकुलरली कोई एडवांटेज मिलेगा, बट यस प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट में इन हाउस में सब में मिलता है एडवांटेज। ओके ओके, मतलब जीएलसी की अगर मैं बात करूँ जैसे एनएलयूज में मुझे ये पता है कि वी हैव टू मेंटेन द ग्रेड्स टू गेट इनटू कॉर्पोरेट, मतलब मेरा एक नॉमिनल ग्रेड होना चाहिए था टू गेट इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर टू गेट अ प्लेसमेंट, और आई शुड नॉट बी हैविंग एनी रिपीट्स या री रिपीट्स या फिर बैक नहीं लगा होना चाहिए बेसिकली, तो दैट वाज अ थिंग, मतलब ये दैट वाज अ कंपल्शन टू गेट इनटू कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ऐसा कुछ भी नहीं आई बिलीव जीएलसी में।
थोड़ा सा सी बेसिक क्राइटेरिया आता है कि आपका मतलब व्हेन कंपनीज कम फॉर प्लेसमेंट्स, तो उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है 10-12 का इतना परसेंट हो, बैकलॉग ना हो कोई सेमेस्टर में. बाकी परसेंट लिमिट हमें इसके लिए तो नहीं आता है जनरली. कुछ फर्म्स अच्छा. रखती है अपना कि वो वी वांट 60% वाला ही स्टूडेंट, 75% वाला, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट पुट एनी बार. ओके ओके ओके. तो सेल्स एंड कमिटीज के बारे में बात करूं तो मेरा भी एक सेल हुआ करता था इन माय कॉलेज एंड आई वाज वेरी वेल नोन अबाउट फ्रॉम दैट सेल. आल्सो ये जो सेल्स एंड कमिटीज है यूजुअली कौन रन करता है फर्स्ट सेकंड, इनमें से बहुत अच्छे कमिटीज कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू यू? ओके, सो दीज आर बेसिकली स्टूडेंट रन कमिटीज. मतलब सब में प्रोफेसर इंचार्जेस है, बट रन स्टूडेंट्स ही करते हैं. नाउ आई वॉज पर्सनली अ पार्ट ऑफ मनसॉक, दैट इज मॉडल यूनाइटेड नेशन सोसाइटी. तो आई वॉज हैप्पी विद दैट कमिटी बिकॉज हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट होता था एंड GLCMUN इज वन ऑफ द वन ऑफ द रिनाउंड वंस फेमस अक्रॉस इवेंट्स. नेशंस. करेक्ट करेक्ट. तो पूरे इंडिया से आते थे स्टूडेंट्स. बाकी अच्छी कमिटीज में एक तो हमारा प्लेसमेंट सेल, दैट इज लाइक आई वुड अप्रिशिएट देम बिकॉज दे वर्क लाइक थ्रू आउट द ईयर, करेक्ट अराउंड द करेक्ट. क्लॉक दे वर्क अलॉट. है मतलब हमारे प्लेसमेंट्स का 60% क्रेडिट उनके हार्डवर्क को जाता है. देन हमारा मूड कोर्ट एसोसिएशन भी काफी एक्टिव है, लाइक GLC के जो फ्लैगशिप मूड कोर्ट्स है, दोज आर द करेक्ट. फेमस वंस. एक वाइल्ड लाइफ मूड होता है, एक DM हरीश होता है, टैक्स मूड चालू हुआ है अभी. सो दीज आर द फ्लैगशिप इवेंट्स. उसमें सारे NLU, सारे जितने लॉ कॉलेजेस अक्रॉस द नेशन आर रिनाउंड वंस, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम सच कॉलेजेस पार्टिसिपेट देयर. सो तो दैट्स द मतलब थिंग. अगर आप ऐसा बता रहे हो तो कहीं ना कहीं मूटिंग कल्चर बहुत अच्छा है GLC का. काफी काफी है रूटिंग कल्चर. लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स ब्रिंगिंग लॉरल्स एट वर्ल्ड राउंड्स, और कोविड के टाइम पे दिस देर वॉज एच जैक्सन मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, तो GLC वॉन दैट एट द वर्ल्ड लेवल. देन ऑल्सो जेसअप में, FDI में, हर मूट में गए, दे हैव बीन सेमी फाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट कुछ जीते हैं. सो यस वी गेट, बिकॉज हमारा अकेडमिक प्रेशर नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा करेक्ट. तो करिकुलर पे एक्स्ट्रा काफी करिकुलर में यू बेनिफिट है. गाइज आर रियली ग्रेट, है ना? यस. मतलब कोई ऑल्सो बाउंडेशन देयर नहीं इज होते दिस हैं. डिबेटिंग सोसाइटी ऑल्सो, सो डेली प्रैक्टिस गोज ऑन फॉर डिबेटिंग एंड ADR कॉम्पिटिशन. सो मतलब स्टूडेंट्स एवरी डे वो लोग उस पर प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो डिबेटिंग कल्चर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है GLC का. लाइक आई हैव नॉट सीन डिबेटिंग लेवल, डिबेटिंग कल्चर एट दैट लेवल जो GLC का चलता है. मतलब दे प्रैक्टिस एट लाइक 7 o'clock इन द मॉर्निंग, दो दो तीन तीन घंटे चलता है. जो हमारे दिस इज नॉट द नॉर्मल डिबेट, ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होते हैं जो हमने कभी देखा भी नहीं था कॉलेज में जाने के पहले. सो यस डिबेटिंग कल्चर, मूटिंग कल्चर काफी अच्छा है. डिबेटिंग आई बिलीव सारे ही लॉ कॉलेजेस में पार्लियामेंट्री डिबेटिंग कल्चर ही होता है ना? ऑल्सो मैं जब प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूँ तो व्हाट वुड बी द पैकेज प्लेसमेंट्स इन योर कॉलेज? मतलब बच्चों को ये बहुत बड़ा मिथ है, प्लस इसका क्या हमारे पास कोई रिलायबल सोर्स है? जैसे फॉर NLUs वी ऑलरेडी नो कि दे रिलीज अ लिस्ट ऑन NIRF रैंकिंग करके, उसके ऊपर व्हेन यू क्लिक एंड यू कैन गेट द योर प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड ऑफ दैट कॉलेज. बट एनीथिंग दैट इज एसोसिएट, मतलब एज अ रिकॉर्ड या फिर प्रूफ की ओके GLC ने इतने का ही प्लेसमेंट दिया था. मतलब आई नो कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगता है तो यू ऑलरेडी नो कि कितना पैकेज आता होगा. तो व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज, और इसका कोई प्रूफ सर्टिफिकेट थिंग है कि यस इतना ही पैकेज आता है? ओके सो पैकेजेस, जैसे अभी हम लोग फाइनल ईयर वाले हैं, बैच ऑफ 23, सो प्लेसमेंट्स चालू हो चुके हैं, बट पैकेजेस हैव नॉट बीन रिवील्ड येट बाय द रिक्रूटर्स देमसेल्व्स. तो अच्छा. ऐसे मतलब ओपनली तो पता नहीं है, बट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट्स को पता है उन्हें कितना मिलने वाला है. तो लाइक ऑल द बिग लॉ फर्म्स जो अपनी बिग सिक्स है, सैम कैम वगैरह, तो करेक्ट दे करेक्ट. आर कॉस्ट ऑन एन डेटाबेस. एवरेज, या सो ऑन एन एवरेज दे आर ऑफरिंग अभी 16-17 LPA. तो ओ उतना तो लाइक डेफिनेटली जा रहा है GLC का. करेक्ट. नाउ अदर देन दिस, अगर किसी स्टूडेंट को कहीं और से, लाइक इफ कोई MNC या कहीं से PPO मिला है, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, अच्छा. अगर मतलब कुछ इसके सही बियॉन्ड भी मिला है, बात सो है. लाइक ऑन एन एवरेज अभी 17 वगैरह का तो जा रहा है GLC में प्लेसमेंट. मतलब ये काफी अच्छा पैकेज है, मतलब अगर काफी मैं अच्छा बात करूं, पैकेज है. क्योंकि यस NLS जितने भी हमारे top 5 NLUs हैं, कहीं ना कहीं इतने का ही पैकेज दे आर ऑल्सो यस प्रोवाइडिंग. तो GLC इज अगेन वन ऑफ द कॉलेजेस जहां बच्चे को जाना ही चाहिए. अगेन अ मिथ ब्रेकर कि प्लेसमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं. नहीं, प्लेसमेंट्स तो काफी डिसेंट है बिकॉज आपके जितने टॉप लॉ फर्म्स हैं वो सारी आती है. मतलब से सैम कैम हो गए, और देन देयर इज दिस लुथरा एंड लुथरा सराफ पार्टनर्स,
All the top tier firms, they come to GLC on their day zero or throughout the year भी they look, because throughout the year जब semester का on time होता है तो they do not have NLU kids around, तो तब free time होता है, तब interns और paralegals सिर्फ GLC वाले होते हैं, like we rule at that time, वहाँ तब और कोई नहीं होता है, तब सिर्फ हम होते हैं वहाँ पे. तो मतलब जीएलसी के बारे में जितने भी मिथ से जितने भी प्री कंसेप्शन बच्चों के दिमाग में रहते हैं, आई थिंक आज हमने सारे ब्रेक किए हैं विद बीइंग मौलिका इन द सेशन. एंड आई रियली वांट टू बी थैंकफुल टू मौलिका कि शी एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द सेम, एंड शी वाज आल्सो वेरी एंथू She was a very enthu kid. मैंने देखा कि यार I want to be the part of the session. So thank you so much, Malika, for being here with us and telling us कि ये myth है भैया, myth है GLC के बारे में, और GLC is one among the college that you should get into. Correct, Malika? Okay, so yeah. Also, I want to tell people like बहुत से लोगों को doubt भी होता है आते time. So trust me, guys. I have been one of the students जिसने NLU छोड़ के GLC आया है and I have not regretted for a single day. You won't believe, मेरी मम्मा ने मुझसे पूरा first semester होते तक पूछा है हर दिन, are you regretting leaving an NLU and getting into GLC? But I have not regretted for a single day. I am like very very happy with GLC. Trust me, get into GLC अगर मिल रहा है तो. Oh, that's great. Also, लेकिन थोड़ा सा cut off ज़्यादा जाता है for other Maharashtrians. OMS. थोड़ा yes, सा yes, difficult yes. हो जाता है उन बच्चों के लिए. बाकी वंस यू क्रैक इनटू, जैसे हमारा जो सीट्स का इनटेक भी था हमने जब देखा तो काफी कम बच्चों के लिए जीएलसी मुंबई हमको प्रोवाइड किया जा रहा था. नॉट अलॉट, मतलब महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली रिजर्व्ड है, अदर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए काफी कम सीट्स हमारे पास. सो दैट इज वेरी वेरी टफ थिंग. लाइक इन माय ईयर, सो माय स्कोर वाज 119 एंड सो आई एम आल्सो लाइक आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट. तो हमारे टाइम पे ओएमएस की अभी भी 24 सीट्स ही है ओएमएस की, तो हमारे टाइम पे 113 पे क्लोज हो गया था. सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करो एमएनसीटी के लिए, सो दैट यू गेट इनटू इन द वेरी फर्स्ट लिस्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो इट वाज नाइस हैविंग यू मौलिका. आई रियली होप आपका डे बहुत अच्छा रहे. ओके चलो बाय. और ऑल सारे स्टूडेंट्स को भी, एमएससीटी इज रियली 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 नियर. 2nd अप्रैल को टेंटेटिव डेट है फॉर एमएससीटी, तो आई रियली होप कि तभी एग्जाम हो जाए, डेट एक्सटेंड ना हो. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स, और आई रियली होप आप यू ऑल क्लियर, मोस्ट ऑफ यू क्रैक जीएलसी दिस टाइम. चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे. बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एवरीवन.